से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल आज चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के निकट एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस अधिकारी ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों में आग लगा दी है। किसानों ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पाली गई धान की फसल को मंडियों में पहुंचाया है, लेकिन इस अधिकारी की मनमानी के कारण किसान और उनकी फसल की दुर्दशा हो रही है। यह अधिकारी किसानों को हड़काता है और व्यापारियों को चोर बताता है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों में ईगो होती है, जो कि स्वयं को सरकार से ऊपर समझते हैं। यदि किसानों की फसलों का सही तरह से उठा नहीं हुआ तो सोमवार से वे जोरदार तरीके से धरना शुरू कर देंगे। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मंदना शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ नहीं बैठा हूँ, एक अधिकारी की ईगो के खिलाफ बैठा हूँ, एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ बैठा हूँ। सरकार ने इतनी जनप्रिय नीतियाँ बनाई, उन जनप्रिय नीतियों को एक अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धत्ता बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो उस सोने को बेचने के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलते हैं उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैं 5 लाख लोगों का बैठा हुआ वकील हूँ। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हलके को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान व्यापारी मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसर सही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कहीं अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की, कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की व्यवस्था मुख्यमंत्री